अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम नवीद, योर कंप्यूटर टीचर ऑफ क्लास 9th। आवर चैप्टर ऑफिस ऑटोमेशन, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एमएस वर्ड। तो लेट्स बिगिन विद द लर्निंग आउटकम्स। आई विल बी एबल टू यूज बैकग्राउंड ग्रुप्स सच एज वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। Use paragraph group, intent and spacing, and use arrange group, position and wrap text। तो आज हम इन तमाम जो आपके लर्निंग आउटकम से इसको अचीव करेंगे। इसमें आपके पास वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यूज़ पैराग्राफ ग्रुप, इंटेंट एंड स्पेसिंग, इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम मज़ीद फिर दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास यूज़ अरेंज ग्रुप में आता है पोजीशन एंड रैप टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की पोजीशन और रैप टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले लर्निंग आइटम के लिए आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में फिर इसका एक ग्रुप बना होगा जिसको हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप बोलते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। तो आपके पास जो वाटरमार्क जो यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा वाटरमार्क को। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क इज द फेडेड बैकग्राउंड इमेज दैट डिस्प्ले द बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास फ्रंट पे कोई आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उस टेक्स्ट के ऊपर अगर आपके पास कोई फ्रंट पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके पास वाटरमार्क कहलाता है, ठीक है। अब वाटरमार्क आपके पास बेसिकली एक लोगो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है आपके पास, या फिर कोई टेक्स्ट भी। हम उसके पेज के जो टेक्स्ट होता है उसके बिहाइंड पर नज़र आता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, जिस तरह मैं कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट अगर लिखता हूँ, तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर जो इमेज आ रही होगी वो आपके पास कहलाएगी वाटरमार्क, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर मैं कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपके पास इसमें सिलेक्ट करूँगा तो पीछे एक कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है जिसको हम वाटरमार्क बोलते हैं, यानी कि वाटरमार्क जो होता है वो बिहाइंड द टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के पीछे। इस तरह हम कोई भी यहाँ पर लोगो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर लोगो अप्लाई करना है तो आपके पास जाना पड़ेगा कस्टम वाटरमार्क, ठीक है। उससे पहले इस वाटरमार्क को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने ये वाटरमार्क को रिमूव कर दिया, तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे आता हूँ। अब यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आपके पास आएगा पिक्चर वाटरमार्क और दूसरा आएगा टेक्स्ट वाटरमार्क, ठीक है। तो पिक्चर वाटरमार्क को तो आप यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट के लिए आपके पास तो यहाँ पर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आके मैं टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस सैड स्कूल, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज कर दिया ब्लू, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इसमें साइज भी होते हैं, वो आप साइज भी डिपेंड करके कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग चेंज करने तो राइटिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे और इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दिस सैड स्कूल कैसे लिखा हुआ गया, एक पेज के जो टेक्स्ट की जो पेज है उसके बिहाइंड पर नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ देखिए मैंने एक रैंडम सा टेक्स्ट को लिख दिया है, और टेक्स्ट पर देखें तो आप पीछे बिहाइंड पर दिस सैड स्कूल आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो वाटरमार्क हम अप्लाई करते हैं वो टेक्स्ट के बैक पर आपको नज़र आ रहा होता है एक लाइट वे में, यानी कि जो पीछे से लाइट एरिया जो नज़र आ रहा है उसके अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पिक्चर भी कोई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वाटरमार्क के लिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, वो है पेज कलर। पेज कलर का मतलब क्या होता है? जो आपके पास पेज होता है उसके यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं।
तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं यहाँ पर, दिस बटन इज़ यूज्ड व्हेन द यूज़र वांट टू अप्लाई कलर फॉर बैकग्राउंड ऑफ द पेज, पेज के बैकग्राउंड पे जो कलर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मोर कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इस कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, वो है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। पेज बॉर्डर का मतलब क्या होता है आपके पास, कि हम पेज का एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं जिसमें हम एक जो आपके पास पेज का मार्जिन होता है उस पर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा, शेडो पे क्लिक करूँगा, 3D स्टाइल पे क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा आपके पास, इस पर हम बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉर्डर के कुछ स्टाइल होते हैं यहाँ पर, कि हम बॉर्डर के स्टाइल क्या देना चाहते हैं, आप यहाँ पर डॉटेड देना चाहते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर डबल लाइन हो गई, सिंगल लाइन हो गई, ट्रिपल लाइन हो गई, वन लाइन इज थिक, वन इज थिन, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर से कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, जो मैं सबसे ज़्यादा अप्लाई करता हूँ वो मेरे पास जो होती है वो ये वाली लाइन होती है, ये बॉर्डर होती है, मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं इस पर ओके करूँगा तो ये बॉर्डर एक पेज पे अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा आप बॉर्डर की थिकनेस पे भी डिपेंड कर सकते हैं यहाँ पर, कि हम बॉर्डर की जो विड्थ है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। हम अगर इसी शेप को स्मॉल कर दें तो ये स्मॉल हो जाएगी, अगर मैं इसको मैं थिक करना चाहता हूँ या थिन करना चाहता हूँ, हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नॉर्मल साइज़ रखूँगा, तो मैंने आप यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैं उसको ओके करूँगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखें तो एक पेज के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा मैं, तो ये आपके पास इस तरह का कुछ प्रीव्यू नज़र आएगा। ठीक है, इसमें आपके पास बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, तो ये बॉर्डर भी बने हुए नजर आएंगे, वाटरमार्क नज़र आ रहा है, और इसके अलावा अगर आप पेज कलर चेंज करना चाहते हैं तो पेज कलर भी आपके पास, लेकिन प्रीव्यू में इसका पेज नज़र नहीं आता कलर का जो आपके पास दिया हुआ होता है। ठीक है, वो कलर नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।